नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पी के सबसे क्लासेज। पी के सबसे क्लासेज में आपका स्वागत। दोस्तों बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी के बारे में और इसके एडमिट कार्ड के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, केवल उनका फॉर्म ओपन हो जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने एक पोर्टल बनाया था, उसमें आप लोग का डिटेल मांगा था, डाटा मांगा था। जो जो कैंडिडेट जो है डाटा दिए हैं, उनका एडमिट कार्ड जो है मेरे टीम द्वारा ईमेल पर उनके भेज दिया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है अपना डाटा दिए हैं और उनका क्या स्टेटस रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नेम है, जैसे कि विकास पांडे जी हैं, साइना जी हैं, सोहेल कत्यायनी, ओम प्रकाश, कृष्ण पांडे, रोहित सिंह, अमित कुमार वर्मा। ये तो बहुत सारे जो कैंडिडेट जो हैं, लगभग 50+ जो है कैंडिडेट यहाँ पर दिए थे अपना डिटेल। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका स्टेटस भी देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड इनके ईमेल पर भेज दिया गया है। कुछ कैंडिडेट का पेमेंट में इशू आ रहा है या पेंडिंग आ रहा है, या एक दो दिन के अंदर में उनका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ओम प्रकाश और कृष्ण कुमार पांडे, यहाँ आप देख सकते हैं लॉगिन आईडी है और इनका पेमेंट का इशू आ रहा है। पेमेंट नॉट डन, यानी पेमेंट इन्होंने जो फीस पेमेंट नहीं किया है, या यदि पेमेंट उन्होंने किया है तो एक दो दिन और वेट कर ले, मेरे टीम द्वारा जो है उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके भेज दिया जाएगा। और यहाँ दोस्तों ये देख सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट जो है अपना रॉन्ग डाटा दिए हैं, या तो लॉगिन आईडी अपना रंग दिए हैं या DOB रंग दिए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे स्मिता जी हैं, इनका जो है रंग डाटा है, या तो इनका DOB गलत है या तो यहाँ पे लॉगिन आईडी गलत है। और यहाँ आप देख सकते हैं रंग डाटा में सुमित गुप्ता जी हैं और राजेश कुमार जी हैं, इनका भी आप या तो DOB गलत है या तो दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो हैं अपना रंग डाटा दिए हुए हैं, तो और आप नीचे भी देख सकते हैं, तो मैं नाम पढ़ लेता हूं जो जो कैंडिडेट रॉन्ग डाटा दिए हुए हैं, या तो वो लॉगिन आईडी गलत दिए हैं या तो अपना DOB गलत दिए हुए हैं। साधना यादव जी का जो है रॉन्ग डाटा दिया गया है, जितेंद्र कुमार जी का रॉन्ग डाटा दिया गया है, और यहां देख सकते हैं वीरेंद्र कुमार पाल, आशीष यादव जी द्वारा जो है रॉन्ग डाटा दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट दोस्तों उसमें दोबारा आप उस पोर्टल में दोबारा आप फिल कर दीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से आपको फिल करना है। सही डाटा फिल करिए, तुरंत हमारे जो है विद इन 4 to 5 आवर्स के अंदर आपका एडमिट कार्ड आपके दोस्तों ईमेल पे भेज दिया जाएगा। और जिनका ईमेल आईडी सेंड किया गया है उनके दोस्तों, जिनका एडमिट कार्ड भेजा गया है उनके ईमेल आईडी पे, वो अपना ईमेल आईडी पे चेक करके उसी ईमेल आईडी पर रिवर्ट कर दे कि उनको जो है एडमिट कार्ड प्राप्त हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको डाटा फिल करना है। जैसे यदि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आप उसमें फिल करके अपना एडमिट कार्ड जो है ईमेल द्वारा हमारे टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मैं अपना वेबसाइट ओपन किया हूँ pklinetest.com, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। यदि आपका RO का हुआ या कंप्यूटर असिस्टेंट का किसी का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा तो आप इसमें फिल करके हमारी टीम द्वारा जो है आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो वो इस फॉर्म को भर दे, हमारी टीम द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उनके ईमेल पर भेज दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं फिल करना दोस्तों, कुछ थोड़ा सा डाटा आपको यहाँ फिल करना, आप अपना नाम फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो भी लॉगिन आईडी है या रजिस्ट्रेशन नंबर वो फिल करना है। उसके बाद DOB आपको फिल करना है, एज ए पासवर्ड DDMMYYYY में आपको फिल करना। इसके बाद जो है जिस ईमेल पे आप एडमिट कार्ड मांगना चाहते हैं उसका अपना जो है यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर देंगे। एग्जाम कैटेगरी में आप चूज करना है दोस्तों, तो यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में RO है और कंप्यूटर असिस्टेंट है। आप किसी का भी एडमिट कार्ड यदि आपका डाउनलोड नहीं हो रहा, तो यदि आपका RO का नहीं हो रहा तो RO यहाँ फिल कर लीजिएगा, यदि कंप्यूटर असिस्टेंट का नहीं हो रहा तो कंप्यूटर असिस्टेंट फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट कर लीजिएगा, विद इन 4 to 5 आवर्स में दोस्तों आपका एडमिट कार्ड, आप जो भी ईमेल आईडी आप दिए रहेंगे इस पर आपको ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद का, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे आए तो सब्सक्राइब, इस प्रकार से आपको अपडेट मिलता रहेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा पिंड करके, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट ओपन करके फिल कर लीजिएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों में भी इस लिंक को शेयर करें, जो भी कैंडिडेट जो अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहा उनको तुरंत इसकी सहायता मिलेगी। यदि कोई कन्फ्यूज तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।